इस वक्त हम गाजीपुर के रिहायशी एरिया चेतनाथ घाट पर हैं, जिसका पौराणिक दृष्टि से काफ़ी मान्यता है। अगर हम चेतनाथ घाट की बात करें या चेतनाथ बाज़ार की बात करें तो यह स्वर्ण व्यवसायियों का एक बहुत ही बढ़िया मार्केट है, लेकिन ठंड के मौसम पर इस मार्केट पर भी कहीं न कहीं ग्रहण लग चुका है। यहाँ के व्यवसायियों की अगर बात माने तो दिन के 12 बजे तक भी यहाँ के बाज़ार लगभग बंद तमाम रह रहे हैं और इस वक्त मौजूदा समय में शाम को 7 बजने वाले हैं, लेकिन ग्राहकों का ठंड की वजह कहीं पता नहीं है और दुकानें बंद हैं। और नगर पालिका की तरफ जो भी यहाँ पर अलाव की व्यवस्था है, उस अलाव से इंसान तो नहीं लेकिन जो आवारा पशु है या छुट्टा पशु है वो उस अलाव का नज़ारा उसका देख सकते हैं। पूरा उत्तर भारत जहां शीतलहर की चपेट में है, ऐसे में गाजीपुर भी इससे अछूता नहीं है और पूरा जनपद शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड की वजह से जहां आम जनमानस परेशान है, वहीं जानवर भी ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं और जहां कहीं भी अलाव जल रहा है उसके इर्द गिर्द तमाम जानवर इकट्ठा हो जा रहे हैं और ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सर्दी का पूरे शहर में जायजा लिया तो पाया कि जगह जगह जहां लोग अलाव के चारों तरफ बैठकर ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आए, वहीं जानवर भी अलाव के इर्द गिर्द खड़े होकर आग तापते नजर आए। लोगों ने बताया कि ठंडी से जानवर भी बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से जहां कहीं भी अलाव जल रहा है वहां पहुंच जा रहे हैं और अलाव के इर्द गिर्द खड़े होकर ठंड से बचने का। बड़ी है आज ठंड, बहुत बड़ी है। और मैं एक व्यवसायी हूँ, व्यवसायिक दृष्टि से मैं बात करूँगा तो आज शहर में लोग ज़रूरत के हिसाब से ही अपने अपने निकले हैं। जिसको जितनी ज़रूरत थी, जिसको नहीं ज़रूरत पड़ा वो घर से बाहर आज निकल भी नहीं किया। हम सुबह 11 बजे 12 बजे आज दुकान बड़ी खोले हैं। हमको लगता है कि कस्टमर ना के बराबर थे और थक हार के 8 बजे बंद होने वाली दुकान आज 6 बजे बंद हो गई। जी मेरा व्यवसाय स्टूडियो का है, फोटोग्राफी में करता हूँ। ऐसे में देखा जाए कि लोगों के रोमे खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन जानवरों की भी स्थिति बहुत इस समय सही नहीं चल रही है। जगह जगह जानवरों को ठंडा लग जा रहा है, कहीं कहीं गिरे रह रहे हैं। यहाँ तो पूरा एकदम जमे पड़े हैं। यहाँ पे अलाव की व्यवस्था है इसलिए जमे हैं और हम चाहेंगे कि प्रशासन के द्वारा और भी अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर कराई जाए। जानवरें जहाँ इकट्ठे होते हैं, जानवर जैसे टाउन हॉल पे इकट्ठे होते हैं, प्रकाश टाकीज इकट्ठे होते हैं, जगह जगह पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ वहाँ अलाव की व्यवस्था की जाए। वास्तविकता जो कही है, इसी मौसम का आनंद लेने लोग जा रहे हैं शिमला और कश्मीर, और यहाँ हम इसका आनंद न लें तो वो अधूरा है। इसका आनंद ये है कि शिमला न जाके यहाँ भी आप ठंडे का आनंद लीजिए। ठंडा तो है, तो नेचुरल चीज़ है, ठंडा है। आनंद के दृष्टिकोण से निकलेंगे तो आनंद लेंगे, और अगर रजाई में रहेंगे तो आपको ठंड लगेगी। देहात में जाके देखिए, यहाँ तो ये कम से कम अलाव जल रहा है, जानवर उसका लाभ पा रहे हैं। देहात में जिसके पास है जानवर वो उसके ओढ़ने का बिछाने की व्यवस्था किए हुए हैं, और इसका तो अब कोई उपाय जनता के पास नहीं है। जनता के पास ये है कि वो हट जाएँ और जानवर अलाव का आनंद लें, यही हम लोगों को अधिकार में है।